तो दोस्तों रियलमी के बाद रेडमी ने भी 64 मेगापिक्सल वाले सेंसर से ली गई फ़ोटो को हमारे साथ हाल ही में शेयर किया है और ऐसा बताया जा रहा है कि रेडमी नोट 8 प्रो ही होने वाला है। और मुकुल शर्मा ने इसके बारे में बहुत सारी कन्फर्मेशन दी है, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर मिलने वाला है और आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को रेडमी नोट 8 प्रो के बारे में बताने वाला हूँ, क्या कुछ मिलने वाला है आपको इस फ़ोन में, कब तक इंडिया में लॉन्च होगा और कितने प्राइस में लॉन्च होगा। तो अगर आपको भी जाना है इस फ़ोन के बारे में ज़्यादा तो बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस फोन के डिज़ाइन से। तो यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली एक ग्लास बैक देखने को मिल जाएगा जो कि ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ आने वाला है। आप लोगों को बैक साइड में ट्रिपल कैमराज का सेटअप देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस फोन के फ्रंट पैनल के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को 6.39 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा, साथ ही आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और सेल्फी के लिए पॉपअप सेल्फी कैमरा भी मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को स्नैपड्रैगन के 730G का प्रोसेसर मिलने वाला है, साथ ही आप लोगों को एंड्रॉइड क्यू का सपोर्ट मिल जाएगा जो कि MIUI 11 के साथ आने वाला है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस फोन के रियर कैमराज के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को ट्रिपल रियर कैमराज का सेटअप मिलने वाला है जिसका मेन सेंसर डेफिनेटली 64 मेगापिक्सल का होगा, जिसमें आप लोगों को सैमसंग GW1 का सेंसर मिलने वाला है, साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं चल इस फ़ोन के सेल्फी कैमरे के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को 25 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस फ़ोन के बैटरी लाइफ के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को 4000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, साथ ही आप लोगों को 18 W की फास्ट चार्जिंग और टाइप सी पोर्ट 3.5 mm ऑडियो हेडफोन जैक भी मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस फ़ोन के रैम वेरियंट के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को 2 रैम वेरियंट मिल जाएंगे, 64 GB और 8/128 GB। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस फोन के प्राइसिंग के बारे में। तो इसका बेस वेरिएंट यानी कि 64 GB वाला मॉडल आप लोगों को अराउंड 14,000 या फिर 15,000 देखने को मिल जाएगा, यानी कि दोस्तों 14,000 या फिर 15,000 की रेंज में आप लोगों को एक पॉपअप सेल्फी कैमरा, स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर मिल जाता है, साथ ही एक एमोलेड पैनल और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। तो नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि अपनी प्राइसिंग हिसाब से फ़ोन कैसा है, आपको कैसा लगा, क्या आप इसका वेट कर रहे हो या फिर नहीं। तो चलिए बात कर लेते हैं इस फ़ोन के लॉन्च डेट के बारे में। तो ये ज़रूर से आपको अगले आने वाले 2 महीनों में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। जो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आप लोगों को इसी तरह वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिल सके। सो गाइस तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।